सब उनको जोहार दोस्तों। इलेक्शन के टाइम में आरोप प्रत्यारोप, झूठ जुमला, वादा दावा, गारंटी, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इसमें हम अभी हालिया दिनों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होने लगी है। आइए आज जाने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ चल रहा है जिसे कि हमें जानना चाहिए। अलग अलग न्यूज़पेपर में क्या क्या छपा है उससे बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें तो द स्काई न्यूज़ है, इसमें लिखा है, इसका हेडिंग दिया कि भारत के मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान भाषण में मुसलमानों को घुसपैठी के रूप में संदर्भित करने के बाद चुनाव आयोग को रिपोर्ट किया गया। श्री मोदी की सरकार पर बार बार मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया गया है। नागरिक समाज, विपक्ष और कुछ विदेशी सरकारों ने उन फैसलों पर चिंता जताई है जिनका उद्देश्य भेदभाव को बढ़ावा देना और भाजपा को सत्ता में बनाए रखना है। तो इस तरह का न्यूज छपा है। बताइए, हम तो देश में वैसे भी हिंदी अखबार बहुत कम न्यूज छपता है, सीमित किया जाता है, आपका लोकल न्यूज को ही अपने एरिया में रखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती है, लेकिन कुछ इंग्लिश पेपर है, कुछ खोजी पत्रकारिता है जो इस सब चीज़ों में अभी भी न्यूज़ को अंदर से निकाल के हमारे सामने लाते हैं। एक और न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ABC न्यूज़, इसमें छपा है कि मोदी पर एक भारतीय चुनावी रैली में मुसलमानों को घुसपैठिए कहकर नफरत फैलाने वाले भाषण का इस्तेमाल करने का आरोप है। अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेपर में सब छप रहा है आपके लिए। लॉस एंजल्स टाइम्स, इसमें लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री पर मुसलमानों को घुसपैठिए कहने के बाद नफरत फैलाने वाले भाषण का आरोप लगाया गया। राजस्थान राज्य में एक रैली में मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस का कहना था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस पर तो मैंने पहले ही वीडियो में सच्चाई बता चुका हूँ कि मोदी जी का यह कथन झूठ है। फिर मोदी जी का भाषण जो लॉस एंजल्स टाइम में छपा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटती है तो वह आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा करेगी और उसे उन लोगों के बीच वितरित करेगी जिनके अधिक बच्चे हैं। अब बताइए, इनका इशारा यहाँ पर भी मुसलमानों की तरह है, लेकिन एक बार ध्यान दीजिए कि एक प्रधानमंत्री का ऐसा बयान जो दुनिया देख रही है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है। यह कांग्रेस के घोषणा पत्र का डर बता रहा है। अधिक बच्चे के हिसाब से तो जैसा कि तेजस्वी यादव का यह ट्वीट था, इसने तो लिखा कि सुभाष चंद्र बोस जी के 14 भाई बहन थे, डॉक्टर अम्बेडकर के भी 14 भाई बहन थे, अटल बिहारी वाजपेयी उनके 7 भाई बहन थे, नीतीश कुमार जी 5 भाई बहन हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन हैं, मोदी के पिता दामोदर दास ये 7 भाई बहन थे, उनके चाचा नरसिंह दास उनके 8 बच्चे। बताइए, प्रधानमंत्री के आरोप में खुद ही घर की धज्जियां उड़ रही है। फिर देखिए आगे टाइम न्यूज़पेपर में, इसमें छपा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव अभियान रैली में मुसलमानों के प्रति घृणास्पद भाषण का आरोप लगाया गया। अंदर छपा इसमें है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े मुस्लिम नागरिक अधिकार और वकालत संगठन काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी कि CAIR ने भी सोमवार को टाइम के साथ साझा किए गए एक बयान में मोदी के भाषण की निंदा की। अब बताइए, अमेरिका में इसकी निंदा हो रही है। CAIR के राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक निहाद आवाद ने कहा कि यह अनुचित है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदुत्व नेता नरेंद्र मोदी इतनी विविध धार्मिक विरासत वाले राष्ट्र के नेता के रूप में अपनी भूमिका के बावजूद भारतीय मुसलमानों पर घृणित और खतरनाक टिप्पणी करेंगे। इस तरह की बातें हो रही है। और टाइम न्यूज़पेपर कहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देश में चल रहे आम चुनाव में प्रचार के दौरान एक भाषण में मुस्लिम विरोधी बातें कहने के लिए निशाने पर हैं। ये सब बातें दुनिया के लोग मोदी जी के हेट स्पीच के बाद देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर CNN वर्ल्ड लिखता है कि भारत के विशाल चुनाव में विभाजन गहराने के साथ ही मोदी की मुस्लिम टिप्पणियों से घृणास्पद भाषण के आरोप लगने लगे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान इस्लामोफोबिक टिप्पणी देने का आरोप लगाया गया है, जिससे प्रमुख मुसलमानों और विपक्ष के सदस्यों में व्यापक गुस्सा पैदा हो गया है। नरेंद्र मोदी भारत के लोकप्रिय लेकिन विवादास्पद नेता जो बड़े परिवर्तन के लिए तीसरे कार्यकाल की तलाश में हैं, ये सब उसमें लिखा हुआ है। मतलब वो लोग को भी पूरा पता है कि ये लोग कर क्या रहा है।
वाशिंगटन स्थित रिसर्च ग्रुप इंडिया हेट लैब की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि मुस्लिम विरोधी भाषण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिसमें 2023 में 668 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 75% मामले भाजपा शासित राज्यों में हुए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि मोदी ने भारत के मुसलमानों को घुसपैठी क्यों कहा, क्योंकि वही ऐसा बयान दे सकते हैं, मतलब इन लोगों को भी पता है, क्योंकि घृणा की बात वही कर सकते हैं। अंदर लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह की निंदा करने की बेशर्मी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अपनी शक्ति पर देश या विदेश में कुछ जांचें दिख रही है कि हो सकती है। ऐसा करके उन्होंने अपने चुनावी लाभ के लिए भारत की विविध आबादी को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने का अपनी पार्टी का मुख्य कार्य किया है। यानी विदेशी मीडिया भी यह मानती है कि बीजेपी का कार्य भारत की विविध आबादी को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करना है। द वाशिंगटन पोस्ट लिखता है आगे कि मोदी पर चुनावी रैली में भारत के मुसलमानों के प्रति घृणास्पद भाषण देने का आरोप है। प्रेस टीवी लिखता है कि चुनाव के बीच मोदी के मुस्लिम विरोधी घृणास्पद भाषण से भारत में आक्रोश फैल गया। आप ये सब क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का, ये जो मैं संख्या दे रहा हूँ, इतना उन्होंने माप किया है। ये कितना होता है ये नीचे में मैं स्थिर रखूँगा, आप पढ़ के बता दीजिएगा। इस पैसे से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपये साल की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की ज़िंदगी बदली जा सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी। पूरे देश को 20 वर्षों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। 3 साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवक की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त की जा सकती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आपके द्वारा जमा किया गया पैसा को, जो बैंकों में जमा है, इन अरबपतियों को ऋण देकर और उस ऋण को माफ करके देश और समाज के प्रति पाप किया। और इस 16 लाख करोड़ का मुद्दा लोगों को पता ना चले, इसीलिए मोदी जी गैर जरूरी मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए भाषण दे रहे हैं, जिस कारण आज देश तो समझ रहा है, विदेशों में भी फजीहत हो रही है। कल कोई विदेश में पढ़ने या नौकरी के लिए जाएगा तो जिस तरह पहले बिहारी को टारगेट किया जाता था, वैसे ही विदेशों में भी होने से आप नकार नहीं सकते। आप जागरूक होकर वोट करें, वह जरूरी है। ऐसे जुमलों और झूठी बातों को सिरे से नकारें। हमारी आपकी जागरूकता ही हमारा देश को समृद्ध कर सकता है। हमारा देश को सोने की चिड़िया बोलते थे, ऐसा हम बना सकते हैं। लेकिन इस लूट को और इस झूठ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी जानकारी आपके बीच में लाता रहूँगा, जिसे जानना हमारे आपके लिए, एक जागरूक मतदाता के लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन आप जागरूक होके दोनों पक्षों को समझ के, घोषणा पत्र जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का, इसमें मैंने जानकारी विस्तार से दिया। चूँकि बीजेपी की सरकार 10 सालों से है, तो उसकी समीक्षा उस 10 सालों के साथ की गई कि उसके उसमें क्या किया उसने। कांग्रेस अभी 10 सालों से नहीं है, तो उसने जो दावा किया है, जैसे पेशा कानून, उसमें जो कुछ छूट गया, जो 4O के तहत स्वायत्तशासी जिला परिषद का, तो उसमें आगे कार्रवाई करने की बात करती है। तो चूंकि उसने अगर पेशा कानून हमारे लिए दिया है, तो उसके आगे भी वो कर सकता है, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार ने तो पेशा के बहुत सारे प्रावधानों को अलग अलग फाइनेंस बिल ला के उसको शिथिल कर दिया है। कई जगहों पर आप देखते हैं कि ग्राम सभा की आवश्यकता ही खत्म कर दी गई है, यानी कि पेशा कानून को इनडायरेक्टली वो गौण किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे हितों को अगर कोई चीज़ प्रभावित करता है, तो उस पर हमें जानकारी होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।